क्या है, ये पहले PWD में थी, अब ये NH में चला गया है। अब इसका कोई वारिस वारसा नहीं है, और जहाँ पे जब ये पिचिंग का काम करते थे वो दो दो दिन तो रहता, तीसरे दिन वो उखड़ जाता है। और तीसरी बात ये कि ये धूल और जो खड्डे हैं यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और धूल की वजह से इतने बुरे हाल है यहाँ पे, जो यहाँ पे निकल के जाता है, पीलीभीत को जाता है, मझोला जाता है। तो वो जे इनका PWD वाले कहते हैं अब हम क्या करें, इसमें ये NH में चला गया है, अब इसका जो है कि भगवान ही मालिक है। अब सब सब जगह तो कहा, कभी किसी को कहा, कभी किसी को कहा, लेकिन इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये रोड जो है और बस से बदतर होता जा रहा है, और ये जो अब जो ये मानसून जो बरसात आएगी इससे और गड्ढे जो हैं और खुले हो जाएंगे, और जिससे जनहानि जो है वो लगी रहेगी। और दूसरी बात ये जो जे अपना खड्डे इसलिए खड्डे भर जाते हैं कि जो एक्सीडेंट यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला वो गिर जाता है, और दाएं बाएं से होके लोग निकालते हैं, और पीछे से कोई गाड़ी वाला आता है वो ठोक जाता है। तो यो अब रास्ते रात में किसी को भी कोई भी जरूरत पड़ती है, किसी को कोई दिक्कत आती है, तो एम्बुलेंस अगर बुलाते हैं तो एम्बुलेंस वाला भी गड्ढों में वजह से पहले तो आता नहीं है, फिर आ भी जाए तो गड्ढे इतने हैं कि उसको भी एक घंटा लगता है, एक मझोला से कटिया पहुँचते पहुँचते एक घंटा लगता है। और ये इतनी बुरी दिशा में है ये रोड, अब इसका तो जो भी है भगवान ही मालिक है। PWD वाले तो आपको पहले बता दिया मैंने, वो करे NH में चला गया है। अब NH वाले ये कब कुछ का कुछ कर रहे हैं, कब ये करेंगे ये वो जाने। ये मार्ग NH डिवीजन हल्द्वानी को स्थानांतरित हो गया है। इधर मार्च अंतिम सप्ताह में इसको हमारे द्वारा उनको हैंड ओवर कर दिया गया है, उनके द्वारा इसमें इसके इम्प्रूवमेंट की कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है बरसात के बाद इसका सुधारीकरण का कार्य हो, इस बीच तो होगा नहीं, जो भी इसमें गड्ढे भरान वगैरह का कार्य है तो NH हल्द्वानी द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में इसमें गड्ढों में या तो ब्रेक एज या इंटरलॉकिंग एज या गड्ढों को भरा जा सकता है, या फिर कच्चे पैच बनाए जा सकते हैं। बरसात में पक्के पैच बनाना तो उचित नहीं होगा। जो भी कार्रवाई होगी ये उनके स्तर से की जानी होगी।